नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बेसिक लेवल के जो सेंटेंस हैं उनसे शुरू करके एडवांस लेवल के सेंटेंस तक पहुंचेंगे, जिसमें आपको बिना किसी टेंस को पहचाने ही आपको इंग्लिश में बात करना आएगा। आप आसानी से इंग्लिश में बोल पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे और उसके लिए आपको टेंस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ पढ़ेंगे ही इस प्रकार से जिसमें आपको टेंस का ध्यान नहीं रखना होगा। अगर आपको टेंस पढ़ाया जाए और फिर आपको बोलने के लिए बोला जाए, फिर भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप रूल्स में अटक जाएंगे। लेकिन हम स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे, पहले हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे और उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो उससे आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश को सीख पाना। और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आने का। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं एक इंजीनियर हूँ। I am an engineer। नेक्स्ट है, वह एक लड़की है। She is a girl। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका नाम कविता है। हर नेम इज कविता। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम मेरा भाई है। राम इज माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम एक लड़की हो। यू आर ए गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सुंदर लड़की है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे दोस्त दोषी हैं। माई फ्रेंड्स आर गिल्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे खिलाड़ी हैं। दे आर स्पोर्ट्समैन। हमने जो सेंटेंस अभी देखे वो सभी यहाँ देखने को मिलेंगे आपको, और इन सेंटेंस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम किस प्रकार के सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, जो स्ट्रक्चर अब हम सीखने वाले हैं। सेंटेंस कई प्रकार के दिख रहे हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर एक ही होता है। तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हिंदी वाक्य में भी और इंग्लिश वाक्य में भी दोनों में सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको इज का यूज करना है, और आई के साथ में हमेशा एम का यूज किया जाता है, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ में हमेशा आर का यूज किया जाता है, और उसके बाद में और जो वर्ड होंगे, अदर जो वर्ड होंगे उनको रखा जाता है। अदर वर्ड में यहाँ कॉम्प्लीमेंट आता है। देखने में सेंटेंसेस सब अलग अलग लग रहे हैं लेकिन इनको इंग्लिश जब बनाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिया हमने, जैसे पहला सेंटेंस है मैं एक इंजीनियर हूँ, इस प्रकार के और बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। वह एक डॉक्टर है, वह एक खिलाड़ी है, वह लड़की एक डांसर है, वो लड़का एक एक्टर है, इस प्रकार से। दूसरा सेंटेंस लेंगे उसी प्रकार से, उसके भी कई सारे सेंटेंस बनाएंगे जो भी आपकी डेली लाइफ में यूज आने वाले हैं, वो जब भी आप कोई चीज़ देखो तो उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाओ, और स्ट्रक्चर आपके पास में है ही, उस स्ट्रक्चर का यूज करना है। अगर सिंगुलर है तो आपको इज का यूज करते हुए डायरेक्ट सेंटेंस बना देना है, और अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ में आपको आर का यूज कर देना है, और अगर सेंटेंस में आई का यूज किया गया है सब्जेक्ट के रूप में तो आपको एम का यूज करना है। ऐसा करते हुए जितने भी सेंटेंस दिए हैं उनके बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है बार बार। मैं उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आपसे विदा लेता हूँ।